चंबा घाट में स्थित शहीद स्मारक में कारगिल विजय दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई भी कमी नहीं देखी गई और पूरे जोश के साथ वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की शहादत को याद किया गया और शहीद जवानों की इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये दिन उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का है जो हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये दिन समर्पित है उन्हें जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए बलिदान कर देश के लिए शहीद हुए हैं। इस मौके पर खादी ग्राम आयोग के चेयरमैन पुरुषोत्तम गुलेरिया और नगर परिषद अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, भाजपा नेता राजेश कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि आज भारतवर्ष में विजय दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेना के जवानों के साथ सोलन की जनता ने देश के लिए शहादत देने वाले वीर सपूतों को याद किया और सोलन से शहीद हुए कैप्टन संजय सिंह चौहान की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप ने बताया कि इस मौके पर जिला सोलन में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और शहीदों को याद कर उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। आज कारगिल विजय दिवस जो है उसको पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरा देश जो है बड़े श्रद्धा भाव के साथ हमारे देश के उन वीर सपूतों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, इस देश के संपूर्ण नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, आज पूरा देश उनको श्रद्धा स्वरूप नमन कर रहा है, उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। हमारे यहाँ से भी कारगिल युद्ध में वीरों ने जो है अपने प्राणों की आहुति दी है। आज यहाँ पर भी सोलन की जनता के साथ, समस्त अधिकारियों के साथ, सेना के अधिकारियों के साथ हमने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं सभी सोलन वासियों से, सभी हिमाचल वासियों से और सभी युवा वर्ग से जो है अपील करता हूं कि जो ये हमारा दिवस है आज का, इसको जो है वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। जो है एक विशेष कार्यक्रम मना रहे हैं जिसमें जो भी हमारे शहीद हुए हैं उनको याद किया जाएगा और जो हमारे एक्स सर्विस मैन है या जो दूसरे लोग हैं शहीदों के, जो परिवार के लोग हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। हम यहाँ पे जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, चाहे उसमें रोशन लाल जी हो पपलोल वाले, वहाँ भी हम जाकर के जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।